जब मैं आर्मी में एनरोल्ड हुआ तो मैं 10+2 था, बट आज की डेट में मैं एमबीए हूँ भागरे नचार से। उसके बावजूद भी मैंने डायरेक्ट सेलिंग को चूज किया, क्यों किया? और हम में से बहुत से लोग इस डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, ऐसे नहीं कि आप पहली बार आए हो, बहुत से लोग आते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। नेटवर्क मार्केटिंग, MLM, पता नहीं क्या क्या नाम इस समाज के अंदर दिया जाता है। जब हम इसमें बात करते हैं ना, तो लोग इसे जोड़ने तोड़ने का बिजनेस, पता नहीं क्या क्या नेगेटिविटी यहाँ पे मार्केट में फैला रखी है, लोग इसकी वैल्यूएशन नहीं समझ पा रहे। पर रियली बता दूं, ये आज के डेट में सबसे इजी एंड सबसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला ये बिजनेस है। वो कैसे? आज हम से बातचीत करेंगे। दोस्तों मैं हर बार कहता हूँ कि किसी सिस्टम का पार्ट बनने से आप बड़े नहीं होंगे। आप सब लोग ऐसे सिस्टम के पार्ट बन चुके हो, या बहुत से लोग बनने वाले होंगे, या बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पहली बार इस मीटिंग्स के अंदर आए होंगे। दोस्तों देखो, किसी सिस्टम का पार्ट बनने से इंसान बड़ा नहीं होता है, ठीक है? किसी अच्छी चीज को चाहने से कोई इंसान बड़ा नहीं होता, अच्छा सोचने से इंसान बड़ा नहीं होता है। जिंदगी में जब तक हम उसका वैल्यूएशन हमें नहीं पता चलेगा, तब तक हम उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। तो आज हम सबसे पहले ये ध्यान करेंगे कि देखो, आज जो बातचीत करने वाला हूं, ये रियली में क्लियर करेगा कि हमें काम क्यों करना चाहिए, हमारे लिए यही काम क्यों है। तो मैं एक स्लाइड के माध्यम से यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि हमें यही काम क्यों करना है और किस लिए इस काम को करना है। तो जब ये स्क्रीन शेयर हो, पहले सर मेरे को थोड़ा सा बता देना कि स्क्रीन शेयर हो गई है, ताकि मैं स्टार्ट करूं। ये सर स्क्रीन दिख रही है इधर। ओके, तो अगेन आप सबका वेलकम है। मैं SLPS वेलनेस फाइटर सक्सेस सिस्टम, द वर्ल्ड का एजुकेशन सिस्टम, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, जिन्होंने आज हम सब उसके पार्ट्स बने हैं, और जिन्होंने आज पिछले 7 साल के अंदर बहुत से लोगों को सर यहाँ पे सक्सेस पाथ अचीव करवाया है। बातचीत करें दोस्तों, आप सबसे पहले हम बातचीत करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या, ठीक है? डायरेक्ट सेलिंग है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, मल्टी लेवल मार्केटिंग है क्या। जैसे मैं आपको बता ही रहा था कि समाज के अंदर इस काम को एक अलग ही नाम दिया जाता है, एक अलग ही नाम दिया जाता है। कोई रिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, कोई इस काम को करना नहीं चाहता। तो आज क्या है, थोड़ा सा हम उसके बारे में बातचीत करेंगे आप सभी लोगों से। तो क्या है ये नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग? दोस्तों अगर हम बातचीत करें, आज ये बहुत ही सोचा समझा हुआ सेल्स का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों होता क्या है कि हर इंसान कहीं ना कहीं सेल्स करता है, हर इंसान, चाहे वो अपने फील्ड के अंदर करो, चाहे वो अपने घर के अंदर करो, हर इंसान कहीं ना कहीं सेल्स से जुड़ा हुआ है। दोस्तों सबसे पहले देखो, एक होती थी हार्ड सेल्स मार्केटिंग। हार्ड सेल्स मार्केटिंग क्या होती थी, जिसमें एक इंसान खुद ही बनाता था और खुद ही उस चीज को बेचता है, ठीक है? जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत से एग्जाम्पल हमारे पास में, जैसे हमारे गांव का कुम्हार, आपने देखा हो, कोटर भी जिसे बोलते हैं, वो बेचारा खुद ही बनाता है, खुद ही उन चीजों को लोगों तक पहुंचाता है। यानी वो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाता है। इस चीज को रिकॉग्नाइज किया गया और इस चीज का सोल्यूशन निकालने के लिए दूसरी टाइप की सेल्स का इंट्रोड्यूस हुआ, वो क्या है हमारा, सेल्स मार्केटिंग। सेल्स को बड़ा किया जाए और बड़े लेवल पे काम किया जाए। तो दोस्तों बड़े इसमें क्या है, जैसे कि आपका फ्रेंचाइज सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ और इसके साथ में आपका डीलरशिप, फॉर एग्जांपल्स। दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े डीलर्स जो होते हैं वो मार्केट्स में अपने लोगों को बेचते हैं, पर हम सोचते हैं कि हम उसके पार्ट्स हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए कि डोमिनो पिज्जा, मारुति नेक्सा, ये मार्केट के ब्रोकर, जितने भी शेयर मार्केट्स के ब्रोकर्स होते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हम इसके पार्ट है, हमारे ऑफिस में काम करने वाले। पर होता है क्या है दिल्ली में दोस्तों, ये कभी भी आपने ब्रोकर को मार्केट्स में काम करते हुए नहीं देखा होगा। नेक्सा जिसे भी कोई भी बड़ा डीलर होगा वो कभी ग्राउंड पे नहीं होगा। ये क्या करते हैं, हमारे जैसे जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने पढ़े लिखे लोग, BA, MBA, BBA, जितने भी लोग हैं, हमारी टैलेंट, हमारी क्वालिटी का यूज करके सर वो करोड़ों रुपए कमाते हैं, हमें लिमिटेड इनकम देते हैं, प्लस में कुछ इंसेंटिव दे देते हैं। हम हजारों में कमाते हैं और वो करोड़ों में पहुंच जाते हैं। दोस्तों इसी वजह से हम सेल्स में, बहुत से लोग सेल्स को 15-15, 20-20 साल भी करते रहते हैं, पर वो अचीवमेंट उनके पास में नहीं आती जितनी वो मेहनत करते हैं, जितनी वो मेहनत करते हैं। देखो तो इसके लिए इसको भी रिकॉग्नाइज किया गया, यानी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, इसमें तो नॉर्मल इंसान बड़ा नहीं बन सकता। अब कैसे एक नॉर्मल इंसान बड़ा बन सकता और विदाउट कंडीशन कैसे एक सेल्स को बड़े लेवल पे ले जा सकता है? तो इसके लिए दोस्तों अगर बातचीत किया जाए तो स्मार्ट सेल्स मार्केटिंग है। स्मार्ट सेल्स मार्केटिंग है दोस्तों, समझना इस चीज को बड़ी बारीकी से।
देखो कोई भी चीज बनती है ना वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में तैयार होती है और डायरेक्ट हमारे पास में नहीं आती है, वो सबसे पहले कंट्री हेड में जाती है, स्टेट हेड में जाती है, डिस्ट्रिक्ट हेड में जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, शॉपकीपर, कंज्यूमर, यानी हमारे तक पहुंचने में सिर्फ उसको नंबर ऑफ चैनल्स में जाना पड़ता है, यानी जो चीज 2 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग होती है हमारे तक आते आते 20 रुपए की हो जाती है। दोस्तों अगर बातचीत करें कोई भी चीज मार्केट्स के अंदर डायरेक्ट अगर हमारे तक पहुंच जाए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से ये नंबर ऑफ चैनल को हटा के डायरेक्ट हमारे पास में पहुंच जाए उसे कहते हैं दोस्तों, एक नाम दिया गया है जिसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग एंड कंज्यूमर एम्पावरमेंट। दोस्तों ये है हमारा सेल्स, जिसे हम लोग अनजाने की वजह से, ज्ञान ना होने की वजह से, नॉलेज ना होने की वजह से पता नहीं क्या क्या नाम दे देते हैं। दोस्तों हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं, दोस्तों समझना इस चीज को बड़ी बारीकी से। हर इंसान का एक नेटवर्क होता है, एवरी पर्सन हैव अ नेटवर्क। देखो डॉक्टर अपने पेशेंट के नेटवर्क से कमाता है, पॉलिटिशियंस के पास में जितने लोग होते हैं वो भी नेटवर्क से कमाता है, एक शॉपकीपर के पास में जितने कंज्यूमर होते हैं, जितने उसके पास में ग्राहक होते हैं, उसका भी एक नेटवर्क होता है सर। हर इंसान दुनिया में नेटवर्क से पैसा कमा रहा है, पर हो क्या रहा है सर, ये लोग नेटवर्क से पैसा कमा रहे हैं पर नेटवर्क को कभी मौका नहीं दे रहे कि पैसा कमाने वाला। माफ करना मैं किसी प्रोफेशनल को नहीं बोल रहा हूं, पर डॉक्टर पेशेंट से पैसा कमाता है पर पेशेंट को कभी ये नहीं बोलता कि यार 2 पेशेंट और लेके आ जाना, मैं आपकी अगली बार फीस आधी कर दूंगा। कभी दुकानदार ग्राहक को ये नहीं बोलता कि सर 2 ग्राहक और लेके आ जाना, मैं अगली बार आपको डिस्काउंट दे दूंगा। समझना सर, ये लोग क्या है, नेटवर्क से पैसा तो कमा रहे हैं पर नेटवर्क को पैसा कमाने का मौका नहीं दे रहे हैं। पर दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हमसे जो लोग यूज करते हैं उसको हम एक ऑफर देते हैं कि आप खुद यूज करो, आपको अच्छा लगे तो आप लोगों को बताओ। दैट मींस कि हम नेटवर्क से मार्केटिंग करा रहे हैं, इसे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। सर आई थिंक आप सब लोगों को पता चल गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। दोस्तों अगर बातचीत करें, देखो हर इंसान जिंदगी में सफल होना चाहता है, हर इंसान जिंदगी में अच्छी गाड़ी चाहता है, अच्छा बंगला चाहता है। अरे सर दुनिया कौन ऐसा इंसान है जो अपने बच्चों को अच्छा नहीं पढ़ाना चाहता, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कौन ऐसा इंसान है जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहता, कौन ऐसा इंसान जो अच्छा घर नहीं चाहता। हर इंसान चाहता है, हर इंसान के अपने ड्रीम्स एंड गोल्स है लाइफ के, वो कंप्लीट करना चाहता है। ड्रीम्स एंड गोल हर इंसान के अलग अलग हो सकते हैं, किसी को अच्छी कार बाइक चाहिए, किसी को अच्छा घर चाहिए, किसी को अच्छा बंगलो चाहिए, हो सकता है देखो ऊपर अच्छा डबल मल्टीपल घर चाहिए, किसी को देश विदेश घूमना है और किसी को बीचेस पे या फोन टूर्स लेने हैं। बहुत से लोग होते हैं जिनको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, यार पैसे की हमें कोई भी आगे जाके प्रॉब्लम्स ना हो। बहुत से लोग हो सकते हैं जिनको सिक्योरिटी चाहिए कि अगर खुदा ना खास अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरे जो बिलोंगिंग है, जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे पीछे बच जाएंगे उनको कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। और बहुत से लोगों का अलग अलग टाइम फ्रीडम, क्या है टाइम फ्रीडम के बहुत से लोग मांगते हैं कि सर मेरे को टाइम फ्रीडम चाहिए कि हम अपने काम के मालिक हो सर, जब हम चाहे तो 10 बजे उठें, 10 बजे चाहे तो अपने काम पे जाएं, कोई पाबंदी नहीं हो। दैट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ द गोल्स होते हैं हर किसी इंसान के होते हैं, वो हर एक इंसान के होते हैं दोस्तों। पर रियली में गोल कैसे पूरे किए जाते हैं, हर इंसान चाहता तो है, हर इंसान कहीं ना कहीं मेहनत तो करता है, फिर भी हम अपने ड्रीम्स कंप्लीट क्यों नहीं कर पा रहे हैं आज की डेट में। लोग कहते हैं सर मेहनत से बहुत बड़ा होता है। दोस्तों जिंदगी के अंदर समझना मेहनत से कोई बड़ा नहीं होता। मैंने हर बार एक चीज बताया है कि अच्छा सोचने से, अच्छा चाहने से और अच्छी मेहनत करने से अगर इंसान सफल होता तो हर माँ बाप ने सर अपने बच्चों के लिए अच्छी चीज चाहिए है, अच्छा सोचा है, हमने अपने परिवार के लिए खुद के लिए अच्छा सोचते हैं सर, अच्छा चाहते हैं। जिंदगी में अच्छा सोचने से, अच्छा चाहने से सर हम जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। जिंदगी में अगर हमें सफल होना है, अपने सपनों को पूरा करना है, अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करना है तो हमें जरूरत है एक अच्छे और एक सच्चे प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है मेरे दोस्त, एक अच्छे सच्चे प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। पर अगर बातचीत करूं दोस्तों तो एक प्लेटफॉर्म जो होता है ना, हर प्लेटफॉर्म की कीमत अदा होती है। क्या होती है, एक कीमत अदा होती है। देखो समझना, अगर किसी को दुकान खोलना है ना मेरे दोस्त, तो दुकान के लिए पहले 10 से 15 लाख रुपए का उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर किसी को मेडिकल स्टोर खोलना है तो 20 से 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर किसी को स्कूल खोलना है तो उसके पास में 10 से 15 करोड़ रुपए होने चाहिए, और किसी को होटल खोलना है तो 20 से 25 करोड़ यहाँ पे चाहिए। दोस्त ये बात समझ में आई यहाँ से कि जिंदगी के अंदर इंसान जितना बड़ा जा सकता है उतना ही बड़ा उसके पास में प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जितना बड़ा प्लेटफॉर्म जिंदगी में इंसान उतना ही बड़ा सक्सेस। दोस्त आज जीवन को ये चीज समझ में आई
कि यार ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, ये जो एथलीट बेस्ड वेलनेस बिजनेस है, अब दोस्तों हमारे जैसे लोगों के पास में ना तो बड़ा प्लेटफॉर्म है, ना हमारे पास में कोई बैकअप्स है, तो दोस्त जिंदगी में हमारे जैसे ऑर्डिनरी पीपल्स के पास में क्या रास्ता रह गया, क्या रास्ता है हमारे जैसे लोगों के पास में? हमारे जैसे लोगों के पास में जिंदगी में सफल होने के दो ही रास्ते हैं दोस्त, दो ही रास्ते हैं हमारे पास जिंदगी में सफल होने के। मैं आपको बता देता हूं वो कौन सा रास्ता है। एक है हमारे पास में जॉब और दूसरा हमारे पास में बिजनेस। दोस्त अगर जॉब की बात करें, ठीक है, तो जॉब के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, जॉब के अंदर जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है वो है टाइम पंचुअल, फॉलोइंग ऑर्डर्स और लिमिटेड इनकम। और इससे बड़ी इनकम है सर, जो इससे बड़ी एक कंडीशन है सॉरी वो क्या है, एजुकेशन। दोस्तों समझना, एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है कि आप जिस लेवल के आप एजुकेटेड हो, जिस लेवल की डिग्री आपके पास में, उस लेवल के ही आपको जॉब मिलेगी। उसके बाद में आपको जॉब मिल भी गई तो आपको टाइम पंचुअल होना पड़ेगा, टाइम पे पहुंचना पड़ेगा, सुबह 6 बजे तो 6 बजे जाना पड़ेगा, 8 बजे तो 8 बजे जाना पड़ेगा। फॉलोइंग ऑर्डर्स, हमें एक इंसान का ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, बॉस का ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, चाहे उसे लाइक करते हो चाहे लाइक नहीं करते हो। और तीसरा क्या है, लिमिटेड इनकम। एक जो पर्सन को सर लिमिटेड ही इनकम मिलती है, अनलिमिटेड इनकम उसे कभी भी नहीं मिलती है। दोस्तों अगर इसके साथ में बातचीत करें, हर इंसान जिंदगी में कभी ना कहीं अपना काम करना चाहता है, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जॉब के अंदर उसके सारे ड्रीम्स कंप्लीट नहीं होते, वो जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाता, वो चाहता है कि यार मैं फ्रीडम हो, मेरा खुद का काम हो, तो दूसरा रास्ता होता है बिजनेस। क्या होता है, बिजनेस। और दोस्तों अगर बातचीत करूं बिजनेस की, तो बिजनेस क्या है सर, बिजनेस क्या है, बिजनेस कहते हैं व्यापार। और दोस्त व्यापार कहता है कि सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट हमें करना पड़ेगा, करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट, सबसे पहला फैक्टर है बिजनेस कहता है इन्वेस्टमेंट। अगर आपको 1000 रुपए कमाने हैं तो आपको 1 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, अगर आपको 1 लाख रुपए कमाने हैं तो आपको सर करोड़ों रुपए कमाने पड़ेंगे, अगर आपको करोड़ों रुपए कमाने हैं तो आपको अरबों रुपए कमाने पड़ेंगे। दोस्त ये ध्यान रखना, हम जितने भी लोग यहाँ पे हैं मेरे साथ में, जिंदगी में सर यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं होता, फिर भी हमने मान लो लगा दिया कहीं लोन लेके, या फिर अपनी जमीन या कुछ भी हमने यहाँ पे गिरवी रख के हमने यहाँ पे लगा दिया। तो दोस्तों सबसे दूसरा फैक्टर जो होता है वो है रिस्क। वो क्या है, काम चले ना चले, क्योंकि सर किसी बिजनेस के अंदर, कोई भी बिजनेस के अंदर 90% लोग आज फेलियर होते हैं, 10% लोग सक्सेस होते हैं सर, ठीक है। पर अगर यहाँ पर फेल हो गए तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा डर है। हमारे गार्जियंस ने भी बिजनेस के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि अगर जिस घर को हमने लोन लिया है, जिस घर को हमने गिरवी रखा है, अगर हम बिजनेस में फेल हो गए तो हम रोड पे आ जाएंगे दोस्त। यही एक डर है कि हमने नहीं, हमारे गार्जियंस भी कभी हमें बिजनेस करने की सलाह नहीं देते हैं। अगर बातचीत करें इसके बाद में कॉम्पिटिशन, क्योंकि देखो मार्केट में हमें कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज आज हम शुरुआत कर रहे हैं वो मार्केट में पहले से ही होगी। वो कहते भी है ना, एक मोनोपोली होती है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, क्योंकि उसके पास में बैकअप होता है, और हमारे जैसे न्यू प्लेयर के पास में बैकअप नहीं होता है, और जिसकी वजह से बड़े बड़े बिजनेसमैन छोटे बिजनेसमैन को खा जाते हैं। देखो ना आज बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, बड़े बड़े बिग बाजार मॉल चल रहे हैं, जिन्होंने छोटी छोटी दुकानों को खत्म कर दिया। दोस्तों उसके बाद में आता है टैलेंट, है टैलेंट, हमने जो भी काम किया है उसका टैलेंट हमारे अंदर होना चाहिए। अगर हमें टैलेंट नहीं है तो हम डेफिनेटली वहां पे फेलियर होने वाले हैं। आप सबको पता है कि अगर किसी ने कोई स्वीट्स की शॉप खोली और उसको खुद को स्वीट्स बनाना नहीं आता, तो डेफिनेटली है कि वो यहाँ से फेलियर होगा। और उसके बाद में जो लास्ट फैक्टर होता है वो है टाइम। वो क्या है, टाइम। देखो हर काम ये कहता है कि मेरे को समय दो। अगर हम कोई शॉप भी खोलना चाहेंगे तो उसको भी सुबह 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक हमें बैठना पड़ेगा। दोस्त ये बिजनेस क्या कहता है कि जो काम आप कर रहे हो ना, उस काम को आप छोड़ दो, अब मेरे साथ में आओ, सुबह से शाम तक बैठो, मेहनत करो, जब मैं आपको कमा के दूंगा। पर मेरे दोस्त आज हम जो काम कर रहे हैं उस काम को अगर हम छोड़ देंगे तो क्या हमारा घर चल पाएगा, क्या हमारे बच्चों की पढ़ाई हो पाएगी, क्या हमारे घर में खुशी आओगी, नहीं। इसलिए एक नॉर्मल इंसान, मिडिल क्लास इंसान कभी भी बिजनेस के बारे में नहीं सोचता है। पर दोस्तों मैं रियली बता दूं, आज
हमारे पास में एक ऐसा मौका है जो आप सब लोगों ने यहाँ पे चूज किया है, रियली में ये आपके लाइफ का सबसे बड़ा चूजिंग पार्ट, यानी चूज किया जो आपने लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे गोल्डन पार्ट आपने चूज किया है सर, क्योंकि यही जो एक कैरियर है ये आपको आगे डेवलप कर सकता है। क्यों? क्योंकि आज हमें एक ऐसा बिजनेस आपने चूज किया है, एक ऐसा कैरियर चूज किया है जिसके अंदर ना तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो सामान आप बाहर से लेके आ रहे थे, केमिकल का सामान लेके आ रहे थे, वो केमिकल फ्री सामान आपको यहाँ पे मिल रही थी। मार्केट में आप कोई भी चीज एमआरपी को लेके आ रहे थे, कोई सोप पेपर आपको डीपी में नहीं दे रहा था, पर वही चीज आपको यहाँ पे 20% डिस्काउंट मिलता है, केमिकल फ्री मिलता है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ से मिलते हैं। अगर आप अपनी हेल्थ की प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर सकते हो, अपने फूड सप्लीमेंट्स है, तो नंबर ऑफ कैटेगरीज में जो चीज आप मार्केट से ले रहे थे वही चीज आप यहाँ से लेते हो। अरे चीज सोचो सर, एक हाथ से हमने किसी चीज को कुछ दिया, एक हाथ से हमने पैसे दिए और एक हाथ से हमने क्या लिया, सामान लिया, तो उसमें इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट तो होता है, जैसे बैंक में, कई जगह म्यूचुअल फंड में, वो इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जब इन्वेस्टमेंट हमारा जीरो है तो हमारा रिस्क भी जीरो है। जब हमारा रिस्क जीरो है तो कंपटीशन, बात रही कंपटीशन की, देखो कंपटीशन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो भी इंसान आपके साथ में है, जिसने भी आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग करवाया, इसका पार्ट बनाया है ना सर, वो इंसान आपको यहाँ से जब तक आप सफल नहीं हो जाओगे आपके साथ रहेगा, वो डेली आपको सिखाएगा, वो डेली आपके साथ में फील्ड में जाएगा और वो यही गॉड से ब्लेसिंग करेगा कि हे गॉड, जल्दी से जल्दी मेरे साथ में जो मेरा न्यू, ठीक है, बिजनेस पार्टनर आया है, इसको सक्सेस कर दो, इसको आगे बढ़ा दो। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंपनी एमडी से लेके लास्ट एंड तक हर इंसान आपको ग्रोथ के लिए काम करता है। जब हर इंसान आपकी ग्रोथ के लिए काम कर रहा है दोस्त, तो वहां पे कंपटीशन कैसा? इसके बाद में अगर बातचीत करें टैलेंट, किसी सर टैलेंट, यहाँ पे सेल्फ टैलेंट जो नहीं होती है, यहाँ पे सर एक सिस्टम होता है। जैसे स्कूल में जाते हैं ना सर, तो स्कूल के अंदर एक सिस्टम काम करता है, उसमें हर कैटेगरी का बच्चा होता है, इस सिस्टम की पावर की वजह से हर बच्चा पास हो जाता है। तो दोस्त यहाँ पे एक सिस्टम होता है जिसे बोलते हैं फाइटर सिस्टम, उसका टैलेंट काम करता है। बात रही टाइम का, आप अपने टाइम के खुद मालिक हो, आप जितना भी घंटा काम करना चाहो, एक घंटा, दो घंटा, चार घंटा, दस घंटा, बीस घंटा, आप इस काम के मालिक हो। दोस्तों आज हमें एक ऐसा बिजनेस मिल गया है जिसके अंदर ना इन्वेस्टमेंट, ना रिस्क, ना टैलेंट, ना कंपटीशन, ना टाइम, और हमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया यार। आज एक बार जोरदार ताली आप सबको, एक बार जोरदार ताली आज हमारे लाइफ के अंदर, हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें मिला, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म। दोस्तों समझना क्यों, अब मेरे को चीज समझ में तो आ गया था कि यार ये तो सक्सेस का फार्मूला है, पर सर ने मेरे को बताया था यार प्रिंसिपल भी है सक्सेस होने के लिए। क्या है प्रिंसिपल भी है सक्सेस होने के लिए? वो क्या प्रिंसिपल है समझना दोस्त, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि सर ने मेरे को एक चीज बताया था कि बेटा जिंदगी के अंदर आपको आगे बढ़ना है ना, जिंदगी में आपको सफल होना है, तो आपको तीन चीज बढ़ानी पड़ेगी, जिसमें टाइम, टैलेंट और मैन पावर है। टाइम, टैलेंट और मैन पावर है, वो कैसे? क्योंकि सर मैं भी एक आर्मी पर्सन था, मैं एक डिफेंस पर्सन था, मैं गवर्नमेंट जॉब होल्डर था, और मेरी 13 ईयर्स सैन्य की सर्विस हो चुकी थी, और मैं ऑलरेडी एक लाइफ सेटल थी मेरी, फिर मैं इस बिजनेस में क्यों आया? क्योंकि मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो समझ में आया सर, वो समझ में आया, सर ने बताया कि अगर जिंदगी में आपको सफल होना है, नेम एंड फेम कमाना है, तो आपको टाइम कमाना पड़ेगा। उन्होंने बोला बेटा आज आप 24 घंटे काम कर रहे हो, तो आप मान लो 50,000 रुपए कमा रहे हो, पर आपको 1,00,000 रुपए कमाने हैं तो क्या कर सकते? मैंने बोला सर कोई रास्ता नहीं है। तो उन्होंने मेरे को समझाया था कि जिंदगी में अगर आपको सफल होना है तो आपको टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा, इनकम आपकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। उन्होंने मेरे को समझाया कि बेटा देखो समझना, हम लोग इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मैक्सिमम लोग यहाँ पे जॉब ओरिएंटेड होते हैं, मैक्सिमम लोग यहाँ पे जॉब के पीछे भागते हैं, हर इंसान यहाँ पे जॉब करना चाहता है, पर हम इतनी मेहनत करने के बावजूद, सुबह से शाम लगने के बावजूद भी आज हम बड़े क्यों नहीं हो पाए? वो फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्त, यहाँ पे बड़ी बारीकी से समझना, आप सब लोग बड़ी बारीकी से समझना। सबसे पहले अगर बातचीत करो, एक होता है बिजनेस ओरिएंटेड टाइम, बड़े बड़े बिजनेसमैन कितने बड़े लेवल पे पहुंच गए, कैसे पहुंच गए सर? बड़े ध्यान से देखना सर, बड़े ध्यान से देखना, आप जितने भी लोग बड़े ध्यान देखो होता क्या है, एक नॉर्मल इंसान, एक ह्यूमन बॉडी एक दिन के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 आवर्स यानी 10 घंटे ही काम कर सकता है, उससे ज्यादा काम नहीं कर सकता है, इट्स मेन, ठीक है। अगर महीने की बातचीत करें, एक वन मंथ के अंदर 26 डेज होते हैं, मींस आप बोलेंगे सर 26 दिन 30 डेज होता है, नहीं,
पर हमारी मेंटेलिटी क्या होती है कि हम 26 डेज तो काम करते हैं, 4 डेज हमारे संडे होते हैं जिसमें हम रिलैक्स करते हैं। क्या करते हैं? रिलैक्स। तो वर्किंग आवर्स हमारा कितना होता है? 26 डेज होता है। तो यहां से कैलकुलेशन निकलती है नॉर्मल पर्सन के पास में 1 मंथ के अंदर कितना टाइम है, 26 × 10 × 260 hours, यानी 26 × 10 यानी 260 घंटे लिमिट है। साल के अंदर कितना टाइम है हमारे पास में, 260 × 12 यानी 320 घंटे। ठीक है, अब बातचीत करें, एक इंसान ज्यादा कितना वर्क कर लेगा, कितने साल हार्ड वर्क कर लेगा, कितने साल भाग लेगा, 20 साल में काम स्टार्ट करेगा तो 60 साल यानी 40 साल, तो मैक्सिमम टाइम हमारा कितना है, 320 × 40 यानी 1,24,800 घंटे हमारे पास में नॉर्मल इंसान के पास मैक्सिमम टाइम है अपने आप को ग्रो करने का। तो दोस्तों ये जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, इनके पास में बैकअप है, इनके पास में क्या है, बैकअप है। ठीक है, अब जैसे बड़ी कंपनी आप देखते हो, ठीक है, देखो एक एम्प्लॉय तो 8 ही घंटा काम करता है, पर बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो टाटा लगा लो, रिलायंस लगा लो, बड़ी बड़ी कंपनियां इस राज की डेट में, जहां 1-1 लाख एम्प्लॉय है, 1-1 लाख एम्प्लॉय डेली जाते हैं इस तरफ। अब आप सोचो एक एम्प्लॉय 8 घंटा काम करता है तो कंपनी के लिए कितने घंटे काम हो जाते हैं, 8 लाख घंटे काम हो जाते हैं दोस्तों। अगर उसको डिवाइड भी करें ना 24 से, 10 से भी नहीं, 10 से करेंगे तो 80,000, यानी एक इंसान पूरी जिंदगी में जितना काम करना था वो बड़ी बड़ी कंपनियां मात्र कितने घंटे में काम करा लेती हैं, 8 घंटे में काम करा लेती है। ये चीज समझ में आया कि यार ये बड़े बड़े बिजनेसमैन, ठीक है, कैसे बड़े बन गए, हम हजारों में रह गए, वो लाखों में चले गए, वही काम कर रहे हैं, हम मेहनत कम ज्यादा कर रहे हैं, पर ये चीज समझ में आया। पर दोस्त मेरे सर ने एक चीज बताया, बेटा आप भी जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हो ना, लोग कमा लो। तो दोस्तों मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, मेरे पास में भी इतना बैकअप नहीं था कि मैं कोई कंपनी खोल लूं, कोई होटल खोल लूं, कोई स्कूल खोल लूं, मैं भी जॉब करता था। उस समय में मैं सोचता कि मैं क्या करूं, तो सर ने मेरे को बताया कि रियली में अगर हमारे पास में, देखो ना तो मैं ज्यादा एजुकेटेड, कौन सफल हो सकता है, किसके पास में लोग आ सकते हैं, उसके पास में लोग आ सकते हैं सर जिसके पास में, ठीक है, ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान हो, हाईली एजुकेटेड इंसान और हाईली रेप्यूटेड पोजीशंस पे अगर वो जॉब होल्ड है, जैसे कि मान आईएएस आईपीएस, बड़े डॉक्टर्स, बड़े इंजीनियर्स, वो हमें नहीं सर। सेकंड, सर ने बताया सर आप लोग कमा सकते हो, टाइम कमा सकते हो, अगर आपके पास में कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट्स है, आप अच्छा डांस कर सकते हो, अच्छा सिंगिंग कर सकते हो, अगर ये कर सकते हो तो इसके साथ में क्या मिलता है, अगर प्लेटफॉर्म मिल जाए तो आपसे बहुत से लोग अपने मार्केट के अंदर देखे होंगे, डांस इंडिया डांस हो, चाहे वो पता नहीं बहुत से प्लेटफॉर्म है कि लोग गांव से आते हैं पर बहुत किसी टैलेंट होता है, वो बहुत जल्दी बहुत सक्सेस हो जाते हैं, पर हमारे पास में वो भी नहीं। तीसरा, सर ने बताया कि आप सक्सेस हो सकते हो, आप लोग कमा सकते हो, आप टाइम कमा सकते हो, लोगों कमा सकते हो, पर आपके पास में क्या बैकअप होना चाहिए, यू शुड बी बैकअप, अगर बैकअप होना चाहिए, बैकअप मीन्स हमारे पास में सर कोई बड़ी कंपनी खोलने के लिए पैसा होना चाहिए, कोई स्कूल खोलने के लिए, कोई होटल खोलने के करोड़ों रुपए, वो हमारे पास में नहीं था। तो दोस्तों हमारे लिए एक ही रास्ता बचता है, एक ही रास्ता हमारे लिए है जो हमें सक्सेस ले जा सकता है, क्योंकि जिंदगी में अगर हमें सफल होना है तो हमें टाइम तो कमाना ही पड़ेगा। वो एक ही रास्ता क्या है सर, वो है हमारा सेलिंग। नॉर्मल पर्सन पैसे के लिए काम करता है और सक्सेसफुल पर्सन किसके लिए काम करता है, इंक्रीज टाइम, टाइम कमाने के लिए काम करता है, किसके लिए काम करता है, टाइम कमाने के लिए काम करता है। और मेरे दोस्त जिंदगी में ये चीज तो समझ में आ गया था कि लोग तो कमाना है, और लोग कैसे कमाएंगे, क्योंकि सर दोस्तों जिंदगी में जो इंसान सफल होता है ना वो उतना ही पेशेंसफुल होता है, समझना, क्योंकि डिपेंड करता है हमारी सोच के ऊपर भी, एक हमारा पेशेंस होता है और एक हमारी सक्सेस होती है, ये दोनों ना एक गाड़ी के पहिए हैं, एक अगर आगे चले एक अगर पीछे चलेगा ना तो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। तो समझना जिंदगी के अंदर कोई भी बच्चा जब यहाँ पे दुनिया में आता है तो पूरे पेरेंट्स को पता है कि वो 18 साल का होगा, उसके बाद ही कहीं जॉब लग सकता है, वो अच्छा ही पढ़ाई करेगा, उसके बाद ही कुछ काम कर सकता है, 18 साल से पहले तो कोई भी, पर 18 साल तक पेरेंट्स उसकी केयरिंग करते हैं। तो समझना इस चीज को बड़ी बारीकी से, एक पौधा जो लगाते हैं ना तो पौधा लगाते ही फल नहीं देने लग जाता, उसके मालिक को पता होता है कि पौधा जब फल बनेगा तो, यानी पौधा सॉरी जब पौधा ये पेड़ बनेगा उसके बाद में फल देगा, वो लाइफ टाइम के लिए देगा, पर ऐसा नहीं है। और जब तक पेड़ बड़ा नहीं बन जाता तब तक क्या होता है, उसको
पानी भी देना पड़ता है, उसको जानवरों से बचाना भी पड़ता है, उसको कीटनाशक दवाइयां भी डालनी है, उसका एक तरह का संरक्षण करना पड़ता है। दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ में यहाँ पे हैं, क्योंकि देखो डॉक्टर बनने के लिए हमें 4 से 5 साल का समय लगता है, इंजीनियर बनने का समय लगता है, तो यहाँ पर भी कैरियर होता है सर, समझना। आज हम क्यों बड़े लेवल पे नहीं है वो समझना, आप सब लोग बड़ी बारीकी से समझना। आज हमारी जो सोसाइटी है ना वो 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, रिच क्लास, फार्मर्स, इसके बाद में जॉब होल्डर्स, इसके बाद में वर्कर्स और एक बैगर्स कैटेगरीज आज हमारे पास में है। ठीक है, देखो जितना हमारे पास में पेशेंस है उतने हम बड़े लेवल पे जाएंगे। अगर हमारा वन डे का हमारा पेशेंस है तो हम एक बैगर ही बन सकते हैं दोस्त, कभी बैगर आगे प्लानिंग नहीं कर सकता, बच्चों की प्लानिंग नहीं करता। अगर हम वर्कर्स हैं तो हमें, अगर 7 डेज का अगर हमारा पेशेंस है तो हमें वर्कर ही बनना पड़ेगा, और अगर हमें 30 डेज का पेशेंस हमारे पास में है तो हमें जॉब होल्डर ही बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि गरीब लोग भी नहीं पेशेंस नहीं है, गरीब लोगों के पास पेशेंस है। अगर बातचीत करें फार्मर्स, किसान, 6 महीने का पेशेंस उसके पास में होता है, बीज बोने से लेके बीज कटने तक, घर में आने तक। बीच में आप देख रहे हो मौसम बहुत खराब भी हो जाता है, कई बार फसल खराब भी हो जाती है, पर कंटिन्यू 6 महीने तक वो काम करता रहता है। और दोस्तों जितने भी बड़े बड़े लोग है ना, वो कम से कम, वो हमसे भी गरीब होते हैं, वो बैंक से पता नहीं करोड़ों का लोन लेते हैं, पर उनका पेशेंस होता है, उनको पता है कि स्कूल आज हमने खोला है ना तो स्कूल आज नहीं चलेगा, तो आज उस स्कूल के अंदर हजारों बच्चे नहीं आएंगे, पर वो पता है मेहनत करूंगा, पर आज से 5 साल के बाद में, 10 साल के बाद में जब स्कूल के अंदर 1000, 2000, 5000 बच्चे आएंगे तो मैं एक बच्चे से कितना पैसा कमाऊंगा और मैं कितने बड़े लेवल पे जाऊंगा, दैट इज द रिच क्लास। और दोस्तों आप समझना चाहते हो, देखना चाहते हो कि जो नीचे की 4 कैटेगरीज है ना, ये 4% सक्सेस है, और ये जो रिच क्लास है ना, ये 90% सक्सेस है। मींस ये नीचे की कैटेगरी जो होती है इनके पास में 96% हमारी पॉपुलेशन है, पर पेशेंस हमारे पास में 4% होता है दोस्तों। पर ये जो एक कैटेगरी होती है ना, ये 4% है, पर इनके पास में पेशेंस 96% होता है। दोस्तों अगर आपको ये जो कैरियर आपने चूज किया है, डायरेक्ट सेलिंग का कैरियर, ये कैरियर क्या है मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि देखो हर कैरियर के लिए, हर प्रोफेशन में सक्सेस होने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ता है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं पेशेंस है। डॉक्टर बनने के लिए 5 साल का समय लगता है, इंजीनियर बनने के लिए 4-5 साल का समय लगता है, हर के लिए आपको समय लगता है। तो यहाँ पर भी करियर है, वो करियर क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। जो भी आज आपने प्लेटफॉर्म चूज किया है, एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारी कंपनी एक ही चीज कहती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक ही चीज कहती है कि जो सामान आप बाहर से लेके आते हो, देखो समझना बड़ी प्रैक्टिकल से, जो सामान आप बाहर से लेके आते हो वो सामान यहाँ से लीजिए, केमिकल फ्री है, राइट। आपको अच्छा लगे आप लोगों को शेयर करो, ठीक है, आप शेयर करो, उनको अच्छा लगेगा तो वो भी शेयर करेंगे। अरे सर हम डेली फ्री टाइम में 2-3-4-5 घंटे में अपने आस पड़ोस वालों को तो चीज शेयर कर ही सकते हैं ना, वो भी आपको 20% डिस्काउंट में मिलता है, मार्केट में कोई भी चीज आपको MRP में मिलती है, ठीक है, MRP मिलती है, यहाँ पे किसमें मिलेगी आपको 20% डिस्काउंट में यहाँ पे मिलेगी। अरे आपने यूज किया, अपने आस पड़ोस जानकर पहचान वालों नहीं बता सकते क्या, पर हमारी कंपनी कहती है कि आपने 2-3 परिवारों को अपने साथ में लेके आ गए, ठीक है, आपको बताना है, चाहे वो हमारे साथ में आए चाहे ना आए, तो भी आप एक साल के अंदर अगर 2 परिवारों को बताते हो तो 730 लोगों को आप बताते हो, ठीक है, एज पर द कंपनी सिस्टम। समझना दोस्तों, सॉरी बीच में किसी का अनम्यूट हो गया था, ठीक है। तो कंपनी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारा सिस्टम क्या कहता है, एक चार्ट यहाँ पे दिखाना चाहता हूं मैं आपको, दैट इज स्टैंडर्ड चार्ट है, इसके बेसिस पे आज तक जितने भी लोगों ने हमारे साथ में कैरियर लगाया है ना, ये चार्ट उस पे 100% एप्लीकेबल हुआ है। जिस पे नहीं हुआ हो वो मेरे को बता सकता है, जिनको 1 साल हुआ है उसका चार्ट एप्लीकेबल नहीं हुआ, ठीक है। सबसे पहले तो उस पहले साल के अंदर हमें मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, हमें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ज्यादा रिलेशंस भी हमारे नहीं हो सकते, तो फर्स्ट ईयर में हमारे साथ में 30 पीपल्स ऐसे होंगे जो यहाँ पे हमारे साथ में कैरियर लगाएंगे।
अब वो 100 सेल्स पॉइंट भी एक इंसान अपने घर के अंदर के डेली यूज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, डेली यूज के प्रोडक्ट, वो मोर देन 400-500 एसपी से प्लस हम यूज कर लेते हैं वो मार्केट से। मार्केट में लोगों को पैसा कमवा के आ जाते हैं पर अपने लिए नहीं कमाते हैं। पर वही चीज अगर हम यहाँ से ले लेंगे 100 एसपी का, 30 लोगों को भी अपने अपने घरेलू प्रोडक्ट्स यहाँ पे दे दिए, हेल्थ की प्रॉब्लम सोल्व आउट कर दी, कोई किसान भाई उसकी पैदावार हमने बढ़ा दी, तो यहाँ से पर पर्सन से आप 1000 रुपीज एज ए सेल्स कमीशन के रूप में यहाँ पे अर्न करोगे। यानी कितना पहले साल के अंदर कितना अर्न करेंगे, 30,000 रुपए। 90% लोग यहाँ पे इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं, बोलते हैं टाइम देंगे अपने हिसाब से, टाइम देंगे हम अपने हिसाब से काम करेंगे 1 घंटा 2 घंटा, बट अर्निंग हमें बहुत ज्यादा चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं 30,000 थी, पर सर ने समझाया था हम यहाँ पे पैसे कमाने नहीं आए, हम यहाँ पैसे कमाने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे टाइम कमाने आए हैं। अरे पैसा तो हम कहीं ना कहीं कमा ही रहे हैं ना, आप अपना घर तो चल ही रहा है ना, सबका घर चल ही रहा है, सब खाना खा ही रहे हो, सबके बच्चे पढ़ाई कर ही रहे होंगे, सब कपड़े पहन ही रहे हैं, सब घर में रह ही रहे हैं, फिर हम क्यों आए यहाँ पे? हम सर वो टाइम कमाने आए हैं जो हम नहीं कमा पाए थे। समझना, यहाँ पे जो 30 जो लोग हैं इसमें 30 लोग काम नहीं करेंगे, 25 लोग हमारे यूजर बन जाएंगे, ठीक है, और 5 लोग हमारे साथ में काम करेंगे। पर जब 5 लोग अपने लिए 2-2 घंटा काम करेंगे तो हमारे 2 घंटे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 घंटे हो जाएगी। कितने घंटे हो जाएगी, 10 घंटे हो जाएगी। सर अगर दूसरे साल की बातचीत करूं, दूसरे साल के अंदर जो 5 लोग अपने साथ में, देखो मिनिमम से मिनिमम 30 लोग लेके आते हैं, मैक्सिमम कोई लोग 100 भी लेके आता है, 200 भी लेके आता है, ठीक है। दूसरे साल में जब ये 5 लोग अपने साथ में 30 से लोग लेके आते हैं तो हमारी टीम साइज हो जाता है 150 का, यानी 150 पीपल हमारे साथ में वर्क करते हैं, अपने लिए काम करते हैं। पर जब वो 100 सेल्स पॉइंट से अपने लिए यूजर बनते हैं या लोगों को यूजर बनाते हैं तो हम यहाँ से कितना कमाते हैं सर, 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, पर एक नॉर्मल इंसान जो आज 10,000 रुपए कमा रहे हैं इस महंगाई के जमाने में, वो भी 1.5 लाख रुपए नहीं कमा पा रहे। और मैक्सिमम लोग 60-70% लोग आज 10,000 बिलो 10,000 में अर्निंग्स में है। दोस्तों अगर बातचीत करूं उसमें से भी 120 लोग काम नहीं करेंगे, यूजर बन जाएंगे, ओनली 30 लोग हमारे साथ में काम करेंगे। जब 30 लोग अपने लिए 2-2 घंटा काम करेंगे तो हमारे 2 घंटे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 घंटे हो जाएगी। कितने घंटे, 60 घंटे, 60 hours। उसके बाद में थर्ड इयर्स में जब 30 लोग हमारे साथ में और वो 30-30 लोगों को अपने साथ में आते मिनिमम से मिनिमम, तो हमारी टीम साइज हो जाता है 900 प्लस का। जब 900 लोगों से आप 1000 रुपए भी अर्न करते हैं कमीशन के रूप में तो हम यहाँ पे 9 लाख रुपए हम यहाँ से अर्न करते हैं, जो आज मैं कहता हूँ बहुत कम लोग होते हैं जो एनुअली 9 लाख रुपए यहाँ से अर्न करते हैं एज ए मिडिल क्लास परिवार की बातचीत करता हूँ। पर उसमें से भी 800 यानी 800 लोग ऐसे होंगे जो यूजर बन जाएंगे और ओनली 100 लोग ऐसे होंगे जो कि हमारे साथ में काम करेंगे। पर जब 100 लोग अपने लिए 2-2 घंटा काम करेंगे, अपनी गाड़ी, अपना पेट्रोल, अपने घर का यूजर चेंज बनेंगे, तो यहाँ से हम समझना हमारा टाइम कितना इंक्रीज हो जाएगा सर, 200, यानी हमें 2 घंटे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 घंटे। अरे दोस्त मैंने आपको पहले बताया था कि एक इंसान, एक जॉब होल्डर जब पूरे महीने काम करता है तो 260 घंटे होते हैं। जब पूरे महीने का काम अगर हमारा वीक में होने लग गया तो आप बताओ हमारी ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, आप बताओ हमारी ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, होगी ना, राइट, क्लियर है, एग्री है सब लोग। अब फोर्थ ईयर में समझना जब ये 100 लोग अपने साथ में मिनिमम से मिनिमम 30 लोग लेके आएंगे तो हमारी टीम साइज हो जाएगा 3000। कितने हो जाएगा, 3000। जब 3000 लोग अब 1000-1000 रुपए या कमीशन के रूप में मिलता है तो हम कितना कमाएंगे, 30 लाख रुपए हम कमाएंगे। कितना कमाएंगे, 30 लाख रुपए हम यहाँ से कमाएंगे। जब 30 लाख हमारे पास में हो तो लाइफ स्टाइल कैसी होगी, आप इमेजिनेशन करो लाइफ कैसी होगी, ठीक है। बट उसमें से भी 2500 लोग काम नहीं करने वाले, मात्र 500 ही लोग काम करेंगे। कितने काम करेंगे, 500 लोग ही काम करेंगे हमारे साथ में। जब ये 500 लोग हमारे साथ में काम करेंगे, अपने लिए 2-2 घंटा काम करेंगे तो भी हमारे 2 घंटे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 घंटे हो जाएगी। कितने हो जाएगी, 1000 घंटे हमारी वैल्यू हो जाएगी। और उसके बाद में जब फिफ्थ ईयर की बात करें, जब ये 500 लोग अपने साथ में अपने रिलेटिव्स को, अपने नाइबर्स को अपना यूजर बनाएंगे, जो सामान वो बाहर से लेके आते हैं वो सामान यहाँ से लेंगे,
उनकी हेल्थ की प्रॉब्लम सोल्व आउट हो जाएगी। अरे सर, हम अपने ही पैसे को जो दूसरों को दे के आते थे उसी पैसे से उसी को बचा के जब हमें यहाँ पे अर्निंग करने को मौका मिलेगा तो कौन नहीं आएगा हमारे साथ में, कौन नहीं आएगा हमारे साथ में अगर हम ट्राई करें तो। अरे दोस्त, पांचवी साल के अंदर आपके साथ में कितने लोग हो जाते हैं, 15,000 लोगों की टीम आपके पास में हो जाएगी। और 15,000 लोग जब सोशल एसपी अपने लेके जाएंगे, वहां से पर पर्सन से हम कितना हजार रुपए अर्न करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे हमारी इनकम हो जाएगी 1.5 करोड़ रुपए। आज से, आज कितनी तारीख है, मई 26 से लेके आज 2020 से लेके अगर 5 साल के बाद में आपको 1.5 करोड़ रुपए मिले, आप सोच के देखो आपकी लाइफस्टाइल कैसी होगी। जिस दिन आपके पास में अच्छा घर होगा, आपकी गाड़ी बड़ी होगी, आपकी गाड़ी ऐसी लग्जरी होगी, ठीक है, और आपके पास में घर होगा तो शहर का सबसे अच्छा घर होगा, बच्चे जिस स्कूल में जा रहे होंगे। उससे भी इम्पोर्टेंट बात क्या है सर, कि 10,000 लोग काम नहीं करेंगे बट 5,000 लोग काम करेंगे। जब 5,000 लोग अपने लिए 2-2 घंटा काम करेंगे तो हमें 2 घंटे की वैल्यू कितनी होगी, कितने होंगे, 10,000 घंटे। मेरे दोस्त, 10,000 घंटे कमाने के लिए ना लोगों को लाखों रुपए कमाने देने पड़ते हैं एम्प्लॉय में, और बहुत से लोग इस कोरोना के अंदर ऐसे ही स्पॉइल्ड हो गए हैं। कोरोना आप लोगों ने देखा है, कोरोना आप लोगों ने देखा दोस्तों, ये है कैरियर जो 5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर। और आपको लग रहा होगा कि सर इट इज नॉट